तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानी सने सभीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। श्री राम कहने लगे, हे भाई हे लक्ष्मण, जाकर माता से विदा मांग कराओ और जल्दी से वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर श्री लक्ष्मण जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं बड़ी, जैसे उनकी बड़ी भारी हानि दूर हो गई है और उनको बड़ा भारी लाभ होने लगा है। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग ना यहु माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। श्री लक्ष्मण अत्यंत हर्षित होकर माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और श्री जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहु ओरा। माता सुमित्रा ने उदास मन से देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी ऐसे कठोर वचनों को सुनकर सहम गई, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लग जाने को देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एही स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सब है सकुचाई, जाई संग विधि कहीं किनाई। उधर लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, वे स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। समझी सुमित्रा राम सी है, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लखी धने उसिर, पापिनी दीने कुदाउ। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, माता सुमित्रा ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और कहने लगी कि पापिनी के कई ने बुरी घात लगाई है। धीरज धैर्य को अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदवानी। तात तुम्हारी मातु वै देही, पिता राम सब भांति स्नेही।
परंतु कुश में जानकर उन्होंने धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से कहने लगी, हे तात, हे लक्ष्मण, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहां जह राम निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु, जो पैसिए रामु बन जाई, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। माता सुमित्रा कहने लगी, जहां श्री राम जी का निवास होगा वही स्थान अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहीं पर दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई, रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अही राम के नाते, अस जिय जानी संग बन जाऊ, लेहु तात जग जीवन लाहू। माता कहती हैं, जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने के योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, हे लक्ष्मण, उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। श्री राम जय जय राम दोहा। भूरी बाग भाजनु भयो मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम रे मन छाड़ी छलू, की राम पद ठाऊं, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। माता सुमित्रा कहने लगी, मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, नत्रु बांझ भली बादी वियानी, राम विमुख सुखते हित हानि। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त होगा, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिय पद सहज स्नेहु। माता सुमित्रा जी कहती हैं, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, इसलिए हे लक्ष्मण, दूसरा कोई कारण नहीं है, संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। रागु रोसु ईर्ष्या मधु मोह, जनि सपने हो इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे उसे उकाई। मेरी सीख सुनो हे लक्ष्मण, राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और क्रम से श्री सीताराम जी की सेवा करते रहना। तुम कहो मन सब भांति सुपासु, संग पी तुमा तु राम सिय जासु, जहिने राम बन लही कलेसु, सुत सोई करे इही उपदेशु। माता कहने लगी, तुमको मन में सब प्रकार से आराम मिलेगा जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी माता पिता रूप में हो। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी को वन में कलेश न हो, मेरा यही तुम्हें उपदेश है। श्री राम जय जय राम भक्तो।
श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, उपदेश यही देही तात तुमरे राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सूरति बन विसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष देई, रति हो अबिरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। भक्तों श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री माता सुमित्रा जी कहने लगी, हे तात मेरा तुम्हें यही उपदेश है, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पाएं और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम जी के परम सेवक श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया नूतन हो। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ लिखते हैं, मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तो राय मन हो भाग मृगु भाग बस। श्री लक्ष्मण जी माता सुमित्रा जी के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई और विघ्न न आ जाए, तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जह जाने की नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी बैठे थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमाखी मधुचीने। उधर नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो रही हो। कर्मी जय सिरु धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बियग अकुलाही, भई बड़ी वीर भूप दरबारा, वर्ण जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे, सिए समेत दौतन निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। उधर श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन में जाने के लिए तैयार हुआ देखकर राजा दशरथ बहुत व्याकुल हो रहे हैं। श्री राम जय जय राम दोहा, सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारह बार स्नेह बस राउले उरलाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा दशरथ बार बार अकुलाते हैं और स्नेहवश उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। श्री राम जय जय राम। भक्तों आज का विश्राम यही लेते हैं। जपले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।